हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृत। आप सभी का थैंक यू मेरे चैनल के ये वीडियोस देखने के लिए। आज मैं एक स्पेस साइंस फिक्शन मूवी लेकर आई हूँ। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल के नए मेंबर नॉक्स रोलैक्स, इनका थैंक यू सो मच चैनल के मेंबर बनने के लिए। फ्यूचर में हम एक शिप को देखते हैं, बोरालिस। ये एक माइनिंग शिप होती है जो अपने मिशन के लिए जा रही होती है। यहाँ के सारे मेंबर्स क्रायोस्लीप में सोए हुए होते हैं। इसी दरमियान अचानक से काफी सारे एस्ट्रॉइड शिप से टकराने लगते हैं। शिप में बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गया था। तभी हम क्रायोस्लीप में सोए हुए एंडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अचानक से उठ जाता है। शिप की काफी खराब कंडीशन थी और उसके पॉड में से अचानक से कुछ मैकेनिकल आर्म्स बाहर आते हैं और एंडी के शरीर में एक सूट बनाते हैं। देखते ही देखते इनका जो बहुत ही बड़ा शिप होता है वो पूरा एक्सप्लोड होने लगता है। इसीलिए जो शिप का AI होता है वो सारे क्रू को इमरजेंसी में लॉन्च करवा देता है शिप से बाहर। वही एंडी के बोर्ड में जैसे ही हेलमेट कंप्लीट होता है वो भी बाकी लोगों के साथ पास के ही प्लेनेट पर जाने लगता। प्लेनेट के एटमोस्फियर में एंटर करते ही ग्रेविटी के कारण ये काफी सारे पॉड्स रास्ते में ही फट जाते हैं। वही एंडी का पॉड भी काफी मुश्किल से उड़ते हुए एक पहाड़ी के ऊंचाई पर क्रैश करता है। एंडी की हालत बहुत ही खराब होती है। वो पैनिक हो रहा था कि अभी अभी क्या हुआ। उसे अपने परिवार की भी याद आने लगती है और अचानक से उसे अटैक आने लगता है। लेकिन सही समय पर जो उसका AI होता है डिफिब्रिलेटर को एक्टिवेट करता है जिससे उसके बॉडी में शॉक चला जाता है और वो ठीक हो जाता है। अब वो बड़ी ही मुश्किल से बाहर आता है। आसपास देख ही रहा था तभी वो देखता है कि बोरालिस यानी इनकी स्पेसशिप पूरी जलती हुई इसी प्लेनेट पर अब क्रैश कर जाती है और एक बड़े से एक्सप्लोजन वेव जनरेट होती है। अब खुद को संभालते हुए वो आगे बढ़ता है। उसे AI से पता लगता है वो लोग एक अननोन लोकेशन में आ गए हैं। यानी कि स्पेस में ये लोग कहाँ हैं ये भी उसे पता नहीं था। बाकी सर्वाइवर्स का भी कुछ पता नहीं है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक रोशनी दिखाई देती है, इसीलिए अब वो उसे फॉलो करने लगता है। काफी चलने के बाद वो शिप के पास पहुंचता है जहाँ पे उसे एक पॉड नजर आता है, लेकिन वहाँ पे उसका एक साथी मरा हुआ था। अब वो उसका ऑक्सीजन लेने के लिए जाता है लेकिन टैंक भी टूटा हुआ था। लेकिन तभी हमारी नजर शिप पर जाती है जहाँ पे बड़े बड़े स्क्रैचेस थे और खून के धब्बे थे। यानी कि यहाँ पे कोई क्रीचर हो सकता है। थोड़ी देर और चलते हुए एंडी को एक जगह पे काफी सारी लाइट्स लगाई हुई दिखाई देती है। वो आसपास आवाज लगाने लगता है तभी वहाँ पे ड्वेन आ जाता है, उसी का साथी था। तभी इस प्लैनेट पर काफी सारी तेज हवा चलने लगती है। ड्वेन बताता है कि वो क्रैश होने के बाद सबको ढूंढ रहा था और उसने कुछ इक्विपमेंट इकट्ठा कर लिए है। आगे बताता है कि उसने क्रैश से पहले नेविगेशन लॉग्स देखे थे और उसे समझ आता है कि कंपनी ने फ्यूल बचाने के चक्कर में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट से शॉर्टकट लिया हुआ था ताकि ये लोग जल्दी पहुंचे, और इसी वजह से ये सभी लोग एक अननोन टेरिटरी में फंसे हुए हैं। ड्वेन अब इस इक्विपमेंट से अर्थ पे मदद के लिए एक मैसेज भेजने वाला था जो पहुंचने में 8 महीने लगेंगे, और अगर रेस्क्यू शिप यहाँ पे आती है तो यहाँ पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 2 साल लग सकते हैं। अब ये सुनने के बाद एंडी पैनिक होने लगता है, लेकिन ड्वेन उसे समझाता है और कहता है कि जो शिप है उसका दूसरा हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, उसमें खाना वगैरह भी है और हम सर्वाइव कर सकते हैं। एंडी काफी परेशान था और गलती से वो इस मशीन का एक प्लग निकालता है। अब मशीन ठीक करने के लिए वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तभी हम देखते हैं एक क्रीचर आके ड्वेन पर हमला करता है और उसे उठाकर लेकर जाता है। एंडी जब दोबारा से मुड़ता है तो ड्वेन गायब। वो काफी घबराने लगता है, इसीलिए अब एंडी ड्वेन ने बताए हुए तरीके से ही अर्थ पर मैसेज भेजता है और ड्वेन की जो छोटी सी गन थी वो उठाकर आगे बढ़ने लगता है स्पेसशिप के उस दूसरे हिस्से तक जाने के लिए। कुछ वक्त के बाद वो एक क्लिफ के एज पर आ पहुंचता है और AI बताता है कि उसका सिस्टम अब ठीक से काम नहीं कर रहा है। ये सुनकर एंडी अपने परिवार के बारे में सोचने लगता है और फ्रस्ट्रेशन में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी रेडियो पर उसे हल्की सी किसी की आवाज आने लगती है। उसकी एक साथी एक सर्वाइवर जिसका नाम नियोमी था वो बच गई थी, जिसके बाद अब नियोमी अपना लोकेशन एंडी को भेजती है, लेकिन वो यहाँ से कुछ मील दूरी पर था। इसीलिए एंडी का AI उसे वार्न करता है कि वो वहाँ तक ना जाए क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन भी कम है। अब एंडी जाने से मना करता है, लेकिन तभी नियोमी उसे कन्विंस करके बताती है कि मेरे पॉड में अभी भी इनफ ऑक्सीजन है हम दोनों के लिए। ये सुनकर वो जाने के लिए मान जाता है। अब काफी घंटों तक वो एक से दूसरे पहाड़ी में चलते हुए जाता है और नियोमी से वो रेडियो पर बात कर रहा था।
तभी अचानक से अंधेरा हो जाता है और सामने उसे अजीब अजीब से आवाजें सुनाई देती हैं। वो एआई को आसपास का एरिया स्कैन करने के लिए कहता है, लेकिन एआई इस एरिया को स्कैन ही नहीं कर पाता। अब ना चाहते हुए भी एंडी को अब धीरे धीरे चलना पड़ता है क्योंकि ये एरिया बहुत ही खतरनाक था। लेकिन चलते हुए अचानक से वो रुक जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने किसी क्रीचर का साया देखा है, पर वो अपने आप को ही समझाता है कि नहीं, ये तुम्हारा वहम है, और वो आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे जमीन पर अजीब से होल दिखाई देते हैं। वो उन होल्स को फॉलो करते हुए आगे जाता है तो उस जमीन पर उसे बहुत ही बड़ा एक होल मिलता है जो मकड़ी के जाले से पूरा भरा हुआ था। अब तभी उसे समझ आता है कि यहाँ पे कोई क्रीचर है, इसीलिए वो तेजी से भागने लगता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ स्नो गिरना शुरू हो जाता है और वो जो ग्राउलिंग की आवाज थी वो उसे सुनाई देती है। कोई एक बहुत ही बड़ी सी चीज बिल्कुल उसके पास से गुजर जाती है। एंडी डर कर तुरंत हेलमेट की लाइट बंद कर देता है और छुप जाता है। तभी नियोमी यहाँ का आसपास का एरिया स्कैन करने लगती है अपने पॉड के मदद से, और तभी उसे दिखाई देता है कि इनका ही कुछ क्रू मेंबर थे वो एंडी की तरफ ही आ रहे हैं, लेकिन कोई भी क्रू रेडियो पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ये सारे सिग्नल एंडी के इर्द गिर्द से ही आ रहे थे। एंडी काफी डरा हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं रहा था। तभी अचानक से एक फ्लेयर गन हवा में उड़ जाती है और उसकी रोशनी से वो देखता है कि सामने एक स्पाइडर लाइक क्रीचर है जो उसी की दिशा में आ रहा था। एंडी समझ जाता है कि सारे क्रू को इसी क्रीचर ने मारा होगा और वो सारे ट्रैकर अब उसके पेट में है, इसीलिए उसे सिग्नल मिल रहे हैं। अब वो ड्वेन के गन से उस क्रीचर को मारने जाता है, लेकिन वो भी काम नहीं करती। क्रीचर ऊपर से जंप करने की कोशिश करता है। अब भागते हुए एंडी एक क्रैक में गिर जाता है। ऊपर देखता है तो वो क्रीचर उस क्रैक में नहीं आ पाता, इसलिए अब ये नीचे से ही भागने लगता है। वो जैसे ही भाग रहा था ऊपर से वो क्रीचर भी उसका पीछा कर रहा था, लेकिन आगे चलने के बाद एंडी और एक खाई में गिर जाता है एक पहाड़ी से। अब वो देखता है कि जमीन तो काफी ऊपर रह गई थी और वो क्रीचर भी काफी गुर्रा रहा था, लेकिन वो नीचे नहीं आ सकता था। अब काफी गिरने के बाद उसका सूट भी खराब हो गया था, इसलिए अपने पास के उस स्प्रे से अपने सूट को वो ठीक कर देता है। इसी वक्त रेडियो में उसे ड्वेन की आवाज सुनाई देती है जो किसी से हेल्प मांग रहा होता है। ड्वेन जिंदा है ये सुन के एंडी हैरान होता है। यहाँ समझ आता है कि वो उन्हीं स्पाइडर क्रीचर से लड़ रहा होता है। अब नियोमी एंडी से कहती है कि मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन तुम्हें ऊपर चढ़कर उसकी मदद करनी चाहिए। एंडी पहले तो मना करता है, लेकिन नियोमी के काफी समझाने के बाद वो किसी तरह ऊपर चढ़ता है और क्रैश हुई साइट पर वो चला आता है। और वहाँ पे वो ड्वेन को देखता है जो खुद फ्लेयर गन्स को ऊपर फेंक रहा था और इन स्पाइडर से लड़ रहा होता है। वो जैसे ही एंडी को देखता है वो इन क्रीचर्स का वीकनेस बताने ही वाला था, लेकिन एक स्पाइडर आकर उस पर सीधा जंप कर देता है और बेचारा ड्वेन वही मारा जाता है। और अब ये सारे क्रीचर एंडी के पीछे जाने लगते हैं। तब नियोमी एक दूसरे पॉड का एआई का सिस्टम और उसका वॉइस एक्टिवेट कर देती है, जिसके आवाज के कारण ये सारे क्रीचर अब उस पॉड की तरफ भागने लगते हैं और एंडी वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वो क्रीचर एंडी को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। अब एंडी किसी तरह एक जगह आकर छुप जाता है। अब वो क्रीचर उसे देख नहीं पाते और थैंकफुली वो आगे बढ़ने लगता है। एंडी और नियोमी दोनों भी बहुत ही पैनिक होते हैं। अब थोड़ी देर बाद एंडी आगे बढ़ता है और देखता है कि यहाँ पर कुछ खूबसूरत जुगनू भी होते हैं। एक जुगनू उसके हेलमेट पर आकर बैठ जाता है, लेकिन उसके हेलमेट पर बैठने के बाद वो अचानक से रेड ग्लो करने लगता है और उसके हेलमेट पर अटैक करने लगता है। ये देखकर काफी सारे जुगनू वहाँ पे अटैक करने आते हैं। अब इसी के कारण एंडी को वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन आगे जाने के बाद उसे काफी लाउड गुर्राने की आवाज सुनाई देती है और अचानक जमीन के नीचे से एक दूसरा मॉन्स्टर मुंह खोलता है और एंडी को कैप्चर करने लगता है। अब एंडी वहीं पर फंस जाता है और धीरे धीरे वो मॉन्स्टर अब एंडी को अपने मुंह में घसीटने लगता है। लेकिन तभी एंडी को एक आइडिया आता है और वो अपने एआई को कहता है कि उसे अटैक आ रहा है, इसलिए एआई डिफिब्रिलेटर से उसे शॉक देती है और वो शॉक एंडी द्वारा उस क्रीचर को भी लग जाता है, इसलिए वो क्रीचर उसे छोड़ देता है। अब एंडी तुरंत वहां से एक दूसरे एरिया में घुस जाता है जो कि ट्री ट्रंक जैसा था, जिसकी वजह से वो क्रीचर पहुंच नहीं पाता। लेकिन वहां पे एक होल होता है और एंडी सीधा नीचे गिर जाता है जहां पे जुगनुओं का एक घोंसला था, और वो सारे जुगनू अब उस पे अटैक करने लगते हैं। अब एंडी किसी तरह उस टनल से निकल आता है। अब यह एंडी को इन्फॉर्म करता है कि उसके पास ऑक्सीजन बहुत ही कम बचा है, वो सिर्फ शिप तक पहुंच पाएगा, नियोमी को बचा नहीं सकता।
अब न्योबी भी उसे कहती है कि तुम शिप तक ही चले जाओ, यहाँ पे आना और भी खतरनाक होगा, मैं किसी तरह मैनेज करती हूँ। लेकिन एंडी को पता होता है कि न्योबी बच नहीं पाएगी, इसीलिए उसे बचाने के लिए अब वो जोर जोर से भागने लगता है, लेकिन उसकी सांस फूल जाती है और वो बेहोश होते होते नीचे गिर जाता है। लेकिन वो खुद को चलने के लिए मजबूर करता है, किसी तरह वो चलते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन चलते हुए वो आखिरकार फाइनली न्योबी को ढूंढ लेता है। अब न्योबी तुरंत अपना पॉड ओपन करके उसे अंदर ले लेती है और वो राहत की सांस लेता है। दरअसल यहाँ पे न्योबी का पैर फंस गया होता है, इसीलिए वो बाहर नहीं आ पाती। अब टूल्स के मदद से एंडी उसके पैर को ठीक कर देता है। अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद दोनों भी फ्लेयर गन और रिपेयर स्प्रे को लेकर निकलते हैं। लेकिन थोड़े आगे जाने के बाद क्रीचर्स उन्हें आसपास घेर लेते हैं। अब दोनों तुरंत वहां से भागने लगते हैं। क्रीचर उनका पीछा करते हैं और ये दोनों भी शिप के उसी हिस्से तक पहुंच जाते हैं जो थोड़े ठीक कंडीशन में था। क्रीचर उनके पास आने ही लगते हैं तभी ये दोनों भी डेब्रिस को नीचे गिरा देते हैं। लेकिन इसमें ये दोनों भी गिर जाते हैं। अब क्रीचर बिल्कुल भी इनके पास आ जाता है तब न्योबी एक फ्लेयर गन से उसे शूट कर देती है और वो क्रीचर डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी तरफ भाग जाता है। इसके बाद ये दोनों भी हिल के ऊपर आ जाते हैं और फाइनली शिप के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन वो मेन डोर बंद ही नहीं होता और तभी हम देखते हैं वो क्रीचर सामने से पूरे इन्हीं की तरफ आने लगते हैं। लेकिन किसी तरह शिप का कंट्रोल लेकर फाइनली न्योबी उस डोर को बंद कर देती है। अब न्योबी और एंटी देखते हैं शिप का काफी डैमेज हुआ था लेकिन उनके पास अभी भी सप्लाई होती है और एक स्टेबलाइज एटमॉस्फेयर भी था जिसमें ये दोनों भी सरवाइव कर सकते हैं जब तक मदद नहीं आती। अब शिप में ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं तब उन्हें वहाँ पे वैसा ही एक क्रीचर दिखाई देता है जिसे देखकर ये दोनों भी छुप जाते हैं। अब वो क्रीचर जैसे ही जाता है ये दोनों आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी हैच के सीलिंग से एक दूसरा क्रीचर आ जाता है जो अब इनके पीछे पड़ जाता है। अब एंडी तुरंत बीच का दरवाजा बंद कर देता है और अब वो स्पाइडर जोर जोर से वो दरवाजा तोड़ने लगता है। ये दोनों भी थोड़ा आगे आ जाते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। दोनों भी बिल्कुल हार मान चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बचे और अपने अंत के आने का इंतजार कर रहे थे। एंडी अपने फैमिली का एक वीडियो न्योबी को दिखाता है और बताता है कि मेरी फैमिली काफी खुशहाल थी लेकिन एक एक्सीडेंट में वो चल बसे थे और वो एक्सीडेंट एंडी के कारण ही हुआ था, इसीलिए वो गिल्टी फील कर रहा था। लेकिन न्योबी उसे समझाती है कि आज अगर वो जिंदा है तो वो सिर्फ एंडी के कारण, एंडी बुरा इंसान नहीं है। ये दोनों भी एक दूसरे को गले लगाते हैं सोचते हुए कि ये आखिरी पल है। पर तभी न्योबी नोटिस करती है कि उन जुगनू का एक छट्टा एंडी के सूट पे ही अटका हुआ है और तभी हम देखते हैं वो क्रीचर बीच का जो डोर रहता है वो तोड़कर इनके ऊपर हमला करने आता है। तभी न्योबी उस जुगनू के छट्टे को उस क्रीचर के ऊपर फेंक देती है और अब सारे जुगनू उस क्रीचर पर अटैक करने लगते हैं और यही मौका देखकर दोनों बीच का डोर्स बंद करते हुए वहां से भागकर कार्गो बे में जाने लगते हैं। लेकिन भागते हुए वो एंड तक आ जाते हैं लेकिन वो देखते हैं शिप नीचे बहुत ही गहरी है इसीलिए वो रुक जाते हैं। यहाँ पे वो क्रीचर अब इन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों बीच का डोर बंद करने लगते हैं लेकिन वो डोर बंद ही नहीं होता। अब क्रीचर आने के पहले ही ये दोनों भी किसी तरह नीचे जंप कर देते हैं और भागने लगते हैं। वो क्रीचर भी नीचे आता है और इन्हें पकड़ने आता है लेकिन तभी एंडी अपना स्प्रे सीधा उस क्रीचर के मुंह को फेंक देता है और वो स्प्रे क्रीचर के मुंह पर एक्सप्लोड हो जाता है। उसके बाद वो क्रीचर सीलिंग पर चढ़ जाता है और जंप करके इनके ही पीछे आ जाता है। इसके कारण दोनों भी गिर जाते हैं लेकिन न्योबी जल्दी से उठती है और उस मॉन्स्टर को अपने पीछे लगाने के लिए भाग जाती है और जाते हुए एंडी को कहती है कि जल्दी से कुछ प्लान करो ताकि ये मरे। अब एंडी अपने एआई को एक वर्किंग पॉड लोकेट करने के लिए कहता है जो टॉप पर था। एंडी जल्दी से ऊपर चढ़ता है और पॉड के अंदर जाकर सिस्टम को एक्सेस करके यहाँ की सारी लाइट्स बंद कर देता है जिसके कारण न्योबी सुरक्षित एक दूसरे जगह पे छुप जाती है। अब एंडी क्रीचर को मारने के लिए पॉड से बाहर आने लगता है लेकिन पॉड अब लॉक हो चुका था और लाइट्स भी ऑफ थी, यानी कि एंडी अब न्योबी को बचा नहीं सकता। वही न्योबी कुछ देर के बाद कुछ लाइट्स लेकर उसी बॉक्स से बाहर आती और भागने लगती है। वो क्रीचर भी उसके पीछे पीछे था। अब यहाँ ऊपर एंडी ये सब कुछ देख लेता है और फाइनली अपने दोस्त न्योबी को बचाने के लिए वो अपना सैक्रिफाइस देने का सोचता है और जैसे ही वो क्रीचर बिल्कुल नीचे ही आने वाला था तब वो अपने पॉड को उसी क्रीचर के ऊपर गिरा देता है
और फाइनली वो क्रीचर नीचे मारा जाता है। लेकिन इस हादसे में वो भी मारा गया था। अब नियोमी रोते हुए उसके शव के सामने गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है। लेकिन तभी एंडी जग जाता है क्योंकि वो ठीक था। फिर दोनों भी विंडो के पास आते हैं और सनराइज को देखते हैं और मदद आने का वेट करने लगते हैं। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।